बैक टू माय YouTube चैनल टेक माइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, बिल्कुल सेफ होगे। आज की वीडियो इतनी जबरदस्त होने वाली है ना भाई। दो बेहतरीन सी बाइकें खड़ी हैं हमारे पास, N160। एक है सबसे पुराना वाला जनरेशन और एक है नया जनरेशन। इसमें चेंज किया हुआ है ब्लूटूथ, तो आप सभी को पता है। प्लस ये अब सिंगल स्पार्क प्लग में आती है, ये डुअल स्पार्क प्लग में आती है। तो काफी टाइम से मेरे से लोग कह रहे थे कि भाई दोनों की ड्रैग रेस करो, बताओ कि दोनों में टॉप एंड में अंतर आया है कि नहीं, कौन सी कितनी फास्ट है। तो फाइनली आज हम ड्रैग करेंगे, दोनों के मीटर ओपन है भाई। ऐसा नहीं है मीटर बंद है, उससे पहले जब हम लोग बाइक पर बैठेंगे ना, उससे पहले दोनों का साउंड जरूर आपको चेक करा दूंगा, जिससे साउंड का भी आपको आइडिया लग जाएगा। पावर दोनों की सेम है, दोनों में 16 पीएस की पावर, 14.65 न्यूटनमीटर का टॉर्क मिल जाता है। दोनों का वेट सेम है, और यही नहीं और भी बहुत तगड़ी तगड़ी ड्रैग रेसेस आने वाली है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जल्दी से बाइक पर बैठते हैं, GoPro को स्टार्ट करते हैं और ड्रैग को शुरू करते हैं। तो अब जल्दी से ना एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले N160 का सुन लो भाई, मेरी वाली का। अब इसको करते हैं बंद, अब नई वाली N160 सिंगल स्पार्क प्लग, इसको करते हैं ऑन। ये देखो ब्लूटूथ मीटर, और इसका देखते हैं साउंड कैसे है। भाई मतलब मुझे नया वाला, देखो हो सकता है नई है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लाउड लग रहा हो, लेकिन 19-20 मुझे लाउड लग रहा है हल्का सा। नई वाली का थोड़ा सा लाउड लग रहा है, मे भी नई है अभी ज्यादा चली नहीं है, और ये तो हमारी भाई काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो चलो अब जल्दी से ड्रैग शुरू करते हैं। सो भाई फर्स्ट राउंड में मैं चलाऊंगा अपनी N160, शुभम भाई चलाएंगे अपनी नई वाली N160। और मेन चीज देखो, दोनों का बॉडी वेट थोड़ा सा अलग है, मेरा है अप्रॉक्स 88 के आसपास, शुभम भाई का 70 के आसपास, तो बॉडी वेट का तो एडवांटेज मिलेगा इनको। तीन हॉर्न पे रेस स्टार्ट होगी, न्यू वर्सेस ओल्ड, तीन हॉर्न दो। और 20 का फर्क है। बॉडी वेट का फायदा है, बॉडी वेट का केवल फायदा उठा रहा। उन्नीस का नहीं है, 19 लाख का है। उससे के तो गाड़ी भी नहीं होगी। अभी वो आगे है, बॉडी वेट का तो देखो फायदा मिलेगा ही उसको, लेकिन भाई ज्यादा मतलब तो जो इस बॉडी वेट के साथ भी वो कोई बहुत खास आगे नहीं है। कार से करते हैं, चलो 126 लिमिटर। भाई इस बॉडी वेट के साथ भी बहुत आगे नहीं है, 125 विंड्रास बहुत जोरों शोरों से है। भाई एकदम बगल में, भाई एकदम बगल में 127 जा रही है। वाह एकदम मतलब समझ लो पावर ऑलमोस्ट सेम है। ये सुबह कोशिश कर रहा मुझे हराने की। आगे निकल रहा हूँ एक तरीके से, भाई क्या ड्रैग हो रही है ये क्या भाई, और वो आगे निकल गई है ये 120 है ये, मैं आगे अपनी N160 ने नई वाली N160 को पीछे कर दिया, लिमिटर आ गया। ये क्या है भाई, मजा आ रही है, आपको भी मजा आ रही होगी देख के। मैं आगे चल रहा हूं, अभी तक सोचो बॉडी वेट जाता है फिर भी
भाई मुझे नहीं लग रहा वो पीछे कर पाएगा। 127 पे लिमिटर आता है मेरा, मेरी बाइक का 28 तक जाती है। मुझे पता नहीं चल रहा वो कहाँ पे है। अच्छा शुभम ने रेस खत्म कर दी भाई, तो अपनी N160 तो ये राउंड जीत चुकी है। शुभम ने रेस खत्म कर दी भाई, क्या भागी है यार भाई, क्या भागी है ये, तुमको हरा दी। लेकिन मैं आगे निकला था, वही मैं कह रहा हूँ आगे निकला उसके बाद रोका था तुमने भाई। इसका 127 पे लिमिटर है, ये भी नहीं भागी। और जबकि मेरी वाली तो उतना नहीं भागती है। तो अच्छा मेरा बॉडी वेट, चलो भाई फिर से रुक जाओ पूरा एंड तक। चलो भाई नई वाली भी बढ़िया भाग रही यार, ये देखो शुभम भाई भगा नहीं पा रहे थे कैसे भाई, ये तो इनिशियल में निकल गई है। अच्छा वो बॉडी वेट की चक्कर थी। बढ़िया भाई, मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो यार शुभम को टक्कर दे रही है, शुभम का भी आगे निकला ही नहीं उतना। कितना जाती है ये, वन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट लिमिटर नहीं आया। चिंता मत करो शुभम, ज्यादा पीछे नहीं हूं मैं, वो पीछे ही है मेरे, ये देखो मैं स्लिप स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन स्लिप स्ट्रीमिंग बड़ा रिस्की हो जा रहा क्योंकि एकदम अगल ही बगल चल रही है, स्लिप स्ट्रीमिंग का मौका नहीं मिल रहा, पूरी बाइक खुली हुई है। अगर स्लिप स्ट्रीमिंग करूंगा तो पास तो पहुंच जा रहा हूं मैं। देखते हैं 128 के ऊपर जाती कि नहीं, 29 गई बस, लिमिटर अब तक नहीं आया लेकिन इसका, मे भी फर्स्ट सर्विस हो जाए तो बढ़िया भागे। जस्ट बगल में, मुझे लग रहा है ये सर्विस के बाद कुछ कमाल कर सकती है ये वाली। सुबह हम सोच रहे मैं पीछे रह गया, बगल में बगल में गया एकदम बराबर, बस वो वेट का फायदा उठा रहा है ये मान के चलो। तो भाई ऑलमोस्ट सेम ही है यार, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अपनी वाली थोड़ी सी है भाई, कुछ तो बात है उसमें, लेकिन मजा आ गई। हैंडल वगैरह तो एकदम सेम है। सो भाई कैसा लगा भगा के, किसमें तुम्हें पावर लग रही? हो सकता है फर्स्ट सर्विस नहीं हुई, लेकिन एक चीज है इसका 129 तक गई, 129 पे भी इसका लिमिटर नहीं आया, ये चीज तो कंफर्म हो गई। फर्स्ट सर्विस के बाद जरूर थोड़ा सा इसमें चेंज होगा इसकी टॉप स्पीड में, लेकिन ड्रैग करके मजा आ गई भाई। सो भाई ड्रैग देख लिया आप लोगों ने, आई नो आपको एकदम मजा आया होगा, और एक चीज क्लियर होगी जो मेरी वाली पे 128 27 पे लिमिटर आ रहा है
वो इस पे 129 तक तो नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये 129 भी बड़े मुश्किल से भागी थी स्लिप स्ट्रीमिंग करने के बाद, और फर्स्ट राउंड की भी विनर यही रही, सेकंड की भी विनर यही रही, लेकिन हाँ वो अंतर एकदम नाममात्र है, एकदम आगे पीछे मतलब इसका आगे वाला टायर उतना ही चल रहा था, तो एकदम ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। जो काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन थी कि भाई पावर कम हुई है कि नहीं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई सिंगल स्पार्क प्लग होने की वजह से कुछ पावर में कमी आई है या कुछ साउंड में कमी आई है। तो ये चीज़ एकदम आप लोग क्लियर हो चुकी है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, दोनों बढ़िया ही भाग रही हैं। तो आप बिल्कुल नई वाली ले सकते हो, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है पुरानी वाली लेने का, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो लोगे तो नई वाली लोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो दबा के शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।